हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एन इक्विकॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस एंड इक्वल कॉनकेव लेंस। तो ये हम लोग इस पर आज डिस्कस करते हैं। इक्वल नहीं होगा, इक्वी होगा, इक्वी कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हम लोग आज इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है इक्वी कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस। ये सपोज कर लेते हैं कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और सपोज कर लेते हैं कि ये जो लेंस है ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। अब लेंस तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर ये बल्गिंग सरफेस जो है बीच वाला मिडिल पार्ट, तो मिडिल पार्ट थोड़ा सा थिक है, पेरिफेरी थिन है, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। यहाँ पर देखो कि मिडिल पार्ट थिन है, बल्गिंग सरफेस थिक है, ये जो है थोड़ा सा एज पर पेरिफेरी पर, तो ये कॉनकेव होगा। क्या होगा, ये कॉनकेव लेंस होगा। तो अगर आप देखो तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बेसिकली अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी कॉन्वेक्स लेंस के पास, दो सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है तो, या कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस होता है, तो मान लो किसी एक सरफेस पर ऐसे ये लाइट इंसिडेंट होती है और इस सरफेस को मैं एक कहता हूँ, ये सरफेस एक है, तो यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप ड्रॉ करो, प्रिंसिपल पॉइंट ड्रॉ करो, तो प्रिंसिपल पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो अगर ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो आप N1, तो आप देखते हो कि यहाँ पर लाइट एयर से, ये ग्लास है, ये ग्लास है, यानी कि एयर से, यानी डेंस ग्लास में आती है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट आई है। अब अगर लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आई है तो ये लाइट क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, बेंड कर देते हैं, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। लेकिन जैसे ही लाइट सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पहुंचेगा लेंस के, सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर लेंस के पहुंचेगा, तो यहाँ पर एक सेंटर है और उस सेंटर को क्या बोलते हैं, उस सेंटर को हम बोलते हैं C2, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर। अब आप देख रहे हो कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो ये क्या होगी, अगेन बेंड हो जाएगी, और अब अगेन बेंड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगेन बेंड होगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल में यहाँ कहीं पर मीट कर जाएगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, सेकंड फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड फोकल पॉइंट पर जाके मीट कर जाएगी। तो आपने देखा क्या कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, इसका एक बार रिफ्रैक्शन ए पॉइंट पर हुआ और एक बार रिफ्रैक्शन बी पॉइंट पर हुआ। तो आप किसी लाइट को देख रहे हो कि जब लेंस से रिफ्रैक्ट होता है तो दो बार रिफ्रैक्ट होता है, टू टाइम वो रिफ्रैक्ट होता है, और आप दो बार रिफ्रैक्शन दिखा रहे हो लेंस का, लेंस के अंदर लाइट का, तो आप बेसिकली देख रहे हो कि लाइट ऐसे जा रही है, फिर लाइट ऐसे जा रही है, और फिर लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे दो बार रिफ्रैक्शन आप दिखा रहे हो। और जब आप दो बार दिखाते हो तो आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर लाइट है, यानी कि मीडियम के बदलने से बार बार लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, आप ये दिखाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप कोई कभी भी जब थिक लेंस लेते हो तब ऐसा करते हो, लेकिन जब आप लेंस थिन ले लेते हो, थिन लेंस ले लेते हो, यानी लेंस बहुत पतला ले लेते हो, तब आप ऐसा ना करके एक इसका प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ करते हो लेंस का,
और लाइट प्रिंसिपल सेक्शन तक लेकर आते हो और एक कंटिन्यूस केवल आप रिफ्रैक्शन ऐसे दिखा देते हो, आप एक कंटिन्यूस ऐसे रिफ्रैक्शन दिखा देते हो। तो बेसिकली ये भी सही है, लेकिन हम ऐसा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि तो हमको क्या करना होता है, हमको डायग्राम या जो कुछ भी यहाँ पर बेंडिंग ऑफ रेज दिखाना होता है ये कन्वेनियंट सिचुएशन में दिखाया जाता है कि ये क्या है, कन्वेनियंट है, कन्वेनियंट है, बस इसलिए ऐसा दिखाया जाता है। वाकई ऐसा ना होकर इस कुछ कंडीशन को ओबे करती है लाइट किसी लेंस के अंदर जब रिफ्रैक्ट होती है तो। ठीक यही सेम सिचुएशन हमारी कॉनकेव लेंस में भी होता है, ठीक यही सिचुएशन कॉनकेव लेंस में होता है कि लाइट अगर ऐसे आ रही है तो लाइट अगर ऐसे आई है तो पहले ये क्या होगी कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आई है, ग्लास डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड होगा, नॉर्मल की ओर बेंड होगा और फिर ये नॉर्मल ड्रॉ होगा। और अब आप देख रहे हैं कि सरफेस एक पर यहाँ पर आई है, अब सरफेस दो पर गई है लाइट, तो अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो लाइट अगेन वो क्या होगा कि नॉर्मल से दूर हटेगा और लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी, लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी। तो बेसिकली ओवरऑल लाइट को आप क्या देख रहे हो कि अबे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, कहाँ जा रही है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल करें सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और नॉर्मल से तो अबे फ्रॉम हो ही रहा है क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। यहाँ ओवरऑल लाइट को आपने क्या देखा था कि टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ था, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ था। वो हो सकता है बुक वाले ये लिखते हों कि टूवर्ड्स द थिकर पार्ट, टूवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, थिकर पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, टूवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ थिकर पार्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। अब आपको पता होगा कि थिकर पार्ट कहाँ पर है, ये पेरिफेरी पर थिक पार्ट है और यहाँ पर थिन पार्ट है, मिडिल में क्या है, थिन पार्ट है, और इसका थिकर पार्ट कहाँ पर है, मिडिल में है, कहाँ पर है, मिडिल में है, और थिनर पार्ट कहाँ पर है, वो एज पर है, थिनर पार्ट एज पर है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैंने लेंस बहुत थिन ले लिया, तो लेंस मैंने थिन ले लिया तो भले ही दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लेकिन मैं अगर लेंस थिन ले लिया हूँ तो इसको ऐसे बार बार रिफ्रैक्शन ना दिखाकर एक कंटिन्यूस ऐसे दिखाऊंगा, केवल एक बार ऐसे रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि केवल लेंस एक बार ही रिफ्रैक्ट करती है लाइट को, तो ये गलत है। लाइट उतनी बार रिफ्रैक्ट होगी जितने सरफेस को वो क्रॉस करेगी। अगर इसने एक सरफेस यहाँ पर क्रॉस किया तो एक बार रिफ्रैक्ट होगा, ये दूसरा सरफेस को क्रॉस किया तो दो बार रिफ्रैक्ट होगा, जितने सरफेस को क्रॉस करेगी उतने टाइम्स इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो किसी लेंस के पास दो रिफ्रैक्टेड सरफेस होते हैं लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए तो दो बार रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन हम कन्वीनियंट सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूस ऐसे रिफ्रैक्शन दिखा देते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर सॉरी लेंस। एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बी पार्ट इसका करेंगे जो कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।